हेलो भाई लोग नमस्कार। आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भाई इंडिया को जिताना है, क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध रेवेलरी होने वाली है। और भाई आज अपन 6GL कॉम्बिनेशन देने वाले हैं आप भाई प्यारे भाइयों की डिमांड पर, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है भाई, एक युद्ध से कम नहीं है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कमेंट बॉक्स में आई लव माई इंडिया, आई लव माई भारत इतने भर दो भाई, इतने लाइक कमेंट कर दो कि भाई पूरे पाकिस्तान ना हिल जाए। और भाई देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देखो आपको दिख रहे होंगे, ये देखो भाई ये देश के प्रति भक्ति होती है भाई। तो अपन करने वाले हैं यहाँ पर प्रेडिक्शन भाई, टीम वगैरह तो चलती रहेंगी और काफी सॉलिड प्रेडिक्शन चल रही है भाई। वर्ल्ड कप में काफी सारी विनिंग कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक रैंक आई थी, एक भाई की 9 रैंक आई थी। और जिन भाई जो भाई नए हो उनको ऐसा लग रहा होगा ये फेंकने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप 100 जूते 100 गाली बकड़ जाना कमेंट में अगर गलत हो। 7 दिन का रिकॉर्ड देख लो कि कितने विनिंग कर रहे हैं। तो देखिए 6GL कॉम्बिनेशन में बात कर लूं तो यहां पर सबसे पहले अपन लेने वाले KL राहुल को, रिजवान को टीम नंबर एक में। यहाँ पर पूरा मैं 6GL कॉम्बिनेशन आपको देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और प्राइम ब्राइम के चक्कर में ना बर्बाद हो, क्योंकि आपका भाई डेली इंस्टाग्राम पर बात करता है, आप लोग लालच में आके करोड़पति एक दिन में बनने के चक्कर में पैसा बर्बाद कर देते हो। मेहनत करो, मेहनत से ग्रैंड लीग जीत सकते हो, नहीं अदरवाइज कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं जिता सकती। बिल्कुल कड़वा सच है ये, सच स्वीकार करना पड़ेगा। तो टीम नंबर एक में अपन ने देखिए रिजवान को ले लिया और KL राहुल को ले लिया। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो ईशान किशन और KL राहुल को टीम नंबर मैं 2 में लेने वाला हूं। तो टीम नंबर 2 हो गया और ये बी हो गया, इसमें ईशान किशन को ले लिया और KL राहुल को ले लिया। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो अब बात कर लेते हैं ईशान किशन की और रिजवान की। तो 3 नंबर कॉम्बिनेशन में ये, यहाँ पर 3 नंबर कॉम्बिनेशन ये हो गया और सी हो गया, ईशान किशन को ले लिया और रिजवान को ले लिया। पूरा मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के साइड पर कॉम्बिनेशन सेट करके बताऊंगा। चलिए इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो ये तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए, चौथे कॉम्बिनेशन में अपन को इन तीनों को लेना है। तो चौथे कॉम्बिनेशन में ये हो गया आपका 4 नंबर कॉम्बिनेशन और ये बन के आ गया भाई डी। ये कॉम्बिनेशन काफी सरल होता है क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में प्लेयर ही कितने खेलते हैं, सबसे मेन होता है बॉलिंग सेक्शन, उसके बाद बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर और सबसे सरल ये वाला। तो बॉलिंग सेक्शन सबसे तगड़ा होता है भाई, तो ये 4 नंबर कॉम्बिनेशन। 5 नंबर कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए तो केवल KL राहुल आएंगे, कौन आएगा, KL राहुल 5 नंबर कॉम्बिनेशन में अकेले। तो ये अपना ई कॉम्बिनेशन हो गया 5 नंबर कॉम्बिनेशन। 6वें कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर रिजवान अकेले को लूंगा, किसको भाई, रिजवान अकेले को, तो 6 नंबर हो गया और ये हो गया एफ। इतना आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपन बैटिंग सेक्शन पे। बैटिंग सेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, और भाई मैं बोलो ना आज लाइक कमेंट इतने दम से कर देना कि भाई दिल खुश हो जाए। ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनाया, मैं तो बनाना ही बंद कर दी थी 6GL, क्योंकि भाई देश वाली बात है यार, मैं बोलो ना रोंगटे खड़े हो गए, आप चेक कर सकते हो। तो बस भाई मजा हो जाना चाहिए। अब अगर बात कर ली यहाँ पर कौन खेलने वाला है कौन नहीं खेलने वाला, तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन में आपको बताऊं बैटिंग लाइन से। देखिए सबसे पहले अहमदाबाद की पिच है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन अपन ले रहे हैं ना 3-3 के 3 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, 4 के 2 ले रहे हैं, 1-5 का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3-3 खिलाड़ी की 3 टीम लेंगे, 4-4 खिलाड़ी की 2 टीम लेंगे, 5 की 1 लेंगे। तो मैं आपको बना के बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं विराट कोहली को लेने वाला हूँ और साथ में यहाँ पर रोहित शर्मा को लेने वाला हूँ, और तीसरा प्लेयर जो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ मैं श्रेयस अय्यर को। इसके बाद बात कर ली जाए यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक हो गए और फकर जमान हो गए। तो ये देखो आपके सामने कॉम्बिनेशन बन के आ चुका है, फकर जमान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इसके बाद श्रेयस अय्यर हो गए, विराट कोहली हो गए और रोहित शर्मा हो गए, ठीक है मेरे भाई। तो ये देखो आपके सामने 1 कॉम्बिनेशन 5 का ये आ गया। चलिए इसके बाद अगर बात कर ली जाए अब अपन बनाते 4-4 के 2 और 3-3 की। तो आपके सामने देखिए प्लेयर है जो है, देखिए फकर जमान है, फकर जमान की जगह किसको खिलाया गया था, अब्दुल्ला को खिलाया गया था भाई, ठीक है। इसके बाद में साउदी शकील की बात कर ली जाए तो इस कॉम्बिनेशन को मैं दोबारा बता दूं, 5 वाला जो कंफ्यूजन आपको रहेगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके बाद श्रेयस अय्यर, और दूसरा किसको लिया था, इसके बाद इमाम को लेना है अपन को। तो ये मैंने आपको दोबारा से बता दिया 5 का कॉम्बिनेशन ये 1 हो गया और ये, और जो भी रिप्लेस होगा ना वो आपको कहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम पर सब चीजें बता दी जाती है। तो फकर जमान की जल्द इमाम ओला का, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और ये, ठीक है मेरे भाई। तो ये कॉम्बिनेशन, अब चलते हैं अपन 4-4 के 2 कॉम्बिनेशन फिर 3-3 के 2 कॉम्बिनेशन पे। 4-4 के 2 कॉम्बिनेशन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ साउदी शकील को, इसके बाद इमाम ओला को, विराट कोहली को और रोहित शर्मा को,
तो ये देखो आपके सामने कॉम्बिनेशन बन के आ गया, टीम नंबर दो हो गया, ये आपका बी हो गया, साउदी शकील हो गया, इमाम उलक हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया। बोलो मेरे भाई इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगर बात कर ली जाए, अब ये चार ये हो गए कॉम्बिनेशन, चार का एक कॉम्बिनेशन और बनाना है। अब्दुल्ला को मैंने यहाँ पे लिया है, बाबर आजम को लिया है, और विराट कोहली को और रोहित शर्मा को, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन के आ गया चार का। तो ये हो गया भाई अपना तीन नंबर कॉम्बिनेशन। इनको सेट कैसे करना है वीडियो के लास्ट में सब बताने वाला हूँ। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, इसी वजह से हम जीतते हैं भाई, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन पूरे यूट्यूब में कोई देने वाला। जितनी ग्रैंड लीग आपके भाई ने विनिंग कराई है ना, टेलीग्राम पर जाकर चेक करो, गलत हो तो कमेंट बॉक्स में 100 गाली बक्कर जाना, मैं तो इतनी बड़ी बात कह देता हूँ आपसे। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो अब अपन चलते तीन तीन के तीन कॉम्बिनेशन पे। तो देखो भाई तीन तीन के तीन कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो खिलाड़ी चलने वाले ना तीन के तीन कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर मेरा कल जो मानना है बाबर आजम भाई पूरे में फ्लॉप रहा है। देखो बंदा ये दो मैचों में, तो कल बाबर आजम के पूरे पूरे चांस है, तो यहाँ पर मैंने बाबर आजम को ले लिया। तो ये देखो तीनों सीनियर प्लेयर हो गए, बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो ये हो गया चौथा कॉम्बिनेशन तीन तीन का, चौथे नंबर की टीम, और ये हो गया आपका डी। तो तीन का एक कॉम्बिनेशन आपके सामने आ चुका है। चलिए तीन का एक कॉम्बिनेशन और लेते हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इमाम उलक को लूंगा, विराट कोहली को लेने वाला हूँ, और साथ में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ साउदी शकील को लेने वाला हूँ। तो एक कॉम्बिनेशन में आप ये रख लो, साउदी शकील हो गया, इमाम उलक हो गया, विराट कोहली हो गया, तो ये पांच नंबर टीम हो गया, ये आपका ई वन के आ गया। इतना मेरे भाई आपका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करने वाला हूँ सिक्स कॉम्बिनेशन वाला। तो देखिए यहाँ पर जो चलने वाला है ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो एक इमाम उलक को ले लीजिए। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन ये बन के आ गया, इमाम उलक हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा, तो ये सिक्स नंबर टीम हो गई, और ये एफ हो गया। तो कुल मिला के पांच का एक कॉम्बिनेशन अपन ने पहले बनाया, चार के दो बनाए और तीन के तीन बनाए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अगर बात कर ली जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। मैच तगड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की वजह से फटी पड़ी है, बस अपन को अपने इंडिया को जिताना है, ठीक है, और भाई बिल्कुल दमदारी से जिताना है और सपोर्ट करना है। इसलिए कमेंट बॉक्स में भाई मैं बोल रहा हूँ ना, 10-20 हजार कमेंट करके रिकॉर्ड तोड़ दो सबरे, कि समझ में आया कि भाई कि जहाँ कुछ काम हल्के में होते, क्योंकि अपनी वीडियो भाई पाकिस्तानी भी देखने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितने आप कमेंट करोगे ना वो गूंज वहां तक आपकी चले जाएगी, क्योंकि पिछली बार एक पाकिस्तानी ने कमेंट किया था अपने यहाँ, तो इसलिए ध्यान रखना। तो इतना ताकत दिखा दो, अगर आप चाहते हो कि इंडिया की धमक वहां पर जाके गिरे, तो आज बोल रहा हूं मैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आपसे, भले फिर कभी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, आज देश वाली बात है भाई, रोंगटे खड़े हो गए, कभी आज तक होते नहीं है, देश वाली बात है, देश प्रेम की बात है इस वजह से, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद अगर बात कर ली जाए, चलो मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, इस इंडिया पाकिस्तान के मैच में भाई 5,000 रुपए मैंने अभी गिव अवे करा था ना भाई, मैं खुशी से 10,000 रुपए दूंगा, और बोलो 10,000 रुपए एक बंदे को दूंगा, ठीक है, इस पे भाई कम से कम 5,000 कमेंट करवा दो, एक एक बंदा 10-20 कमेंट करना, ठीक है, 5,000 कमेंट, जितने कमेंट करा दो उतने पैसे दे दूंगा, और बोलो जितने कमेंट करा दोगे, आई लव इंडिया, आई लव माई भारत, अपना देश बस, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब चीज करके जितने कमेंट आएंगे उतने पैसे दूंगा मैं, बोलो 10,000-20,000 जितने आएंगे ना उतने, और बोलो कमेंट तो आप कर सकते हो, जितने भी लाइक तो एक सिंपल कर सकते हो, जितने आप बोलोगे उतने का गिव अवे कर दूंगा, ठीक है, अभी गिव अवे बंद था, बस आप बोलो देश के लिए इतना कर देंगे, यार क्या बड़ी बात हो गई, और बोलो जितने आप कर दो, 20,000 के 25,000 करोगे 25,000 का गिव अवे कर दूंगा, और बोलो, ठीक है भाई, आप में जिसको सिलेक्ट कर लेंगे वो हो जाएगा, और बोलो, ठीक है मेरे भाई। चलो इस वो टीम सेलेक्ट करेगी किसको देना है किसको नहीं, आप तो बस कमेंट करके दिखा दो अगर दम है तो, अगर आप अपने देश को प्यार करते हो, मैं तो बहुत करता हूं भाई, इसलिए इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी। चलो अब चलते हैं अपन ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात कर ली जाए, देखो यहाँ पर हार्दिक पांड्या, सादत खान, जडेजा होगा, इफ्तिकार होगा, मोहम्मद नवाज होगा, ये पांच प्लेयर खेलने वाले हैं। तो पांच प्लेयर में देखो कॉम्बिनेशन में लेने वाला हूँ, दो दो के तीन कॉम्बिनेशन, तीन तीन के दो कॉम्बिनेशन और एक चार का कॉम्बिनेशन। तो चौथा कॉम्बिनेशन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तीन तीन के दो कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ। देखो ये तीन तीन के दो कॉम्बिनेशन, हार्दिक पांड्या लूंगा, जडेजा लूंगा और सादत खान को लेने वाला हूं। तो टीम नंबर एक कॉम्बिनेशन ये आपके सामने बनके आ चुका है, और एक कॉम्बिनेशन हो गया, जडेजा हो गया, सादत खान हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो एक कॉम्बिनेशन ये आपके सामने बन के आ चुका है। इसके बाद अपन तीन का एक और कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इफ्तिकार को लेना लूंगा, और जडेजा हो गया और हार्दिक पांड्या,
तो ये हो गया दो नंबर टीम हो गया, ये आपका B1 के आ गया, इफ्तिकार हो गया, जडेजा हो गया और हार्दिक पांड्या हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तीन तीन के दो के बाद अब मैं चार का कॉम्बिनेशन लेने वाला हूं। तो चार में देखो मोहम्मद नवाज को लूंगा, सादात खान को लूंगा, जडेजा को लूंगा, हार्दिक पांड्या को, तो चार के कॉम्बिनेशन में ये एक कॉम्बिनेशन आपके सामने बन के आ चुका है। ये देखिए तो ये तीन नंबर टीम हो गई और ये आपका C1 के आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो अब मैं लेने वाला हूं दो दो के तीन कॉम्बिनेशन। तो दो दो के तीन कॉम्बिनेशन में बात कर लूं, जडेजा को लेने वाला हूं, इफ्तिकार को लेने वाला हूं, तो एक कॉम्बिनेशन ये आपके सामने बन के आ चुका है, चार नंबर टीम बन गया और ये आपका डी बन गया, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं लेने वाला हूं पांच का एक, मतलब दो दो का पांचवी टीम। तो दो दो की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर सादात खान हो गया और हार्दिक पांड्या हो गया, इसमें सादात खान को ले लिया है और अपने हार्दिक पांड्या को ले लिया है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो ये पांच नंबर टीम बन गया और ये अपना E1 के आ चुका है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये हो गया अपना। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन और दो का लेना है, तो यहाँ पर मैं नवाज को लेने वाला हूँ, साथ में जडेजा को लेने वाला हूँ। तो ये देखिए सिक्स नंबर टीम बन के आ चुकी है और ये आपने देखा ये सिक्स नंबर टीम ये अपना हो चुका है, मोहम्मद नवाज हो गए और जडेजा हो गया और ये सिक्स। तो कुल मिला के अपने तीन तीन के दो कॉम्बिनेशन हो गए, चार चार का अपना एक कॉम्बिनेशन हो गया और दो दो खिलाड़ी के अपने तीन कॉम्बिनेशन हो गए। अब अपन चलने वाले हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो काफी भाइयों को जो नए होंगे उनको काफी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो को दो बार आपको देना पड़ेगा, 2 करोड़ का कॉन्टेस्ट रहने वाला है, तबाही मच जाएगी भाई, पूरी लाइफ सेट हो सकती है आपकी, ध्यान रखना। तो मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत के इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिला, तो आपको क्या मिलेगा भाई। और बात ग्रैंड लीग की कॉम्पिटिशन होता तो यूनिक टीम आप जब भी बना पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब चलते हैं अपन का बॉलिंग सेक्शन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, बॉलिंग सेक्शन की अगर बात कर ले तो मैं सबसे पहले प्लेयर बता दूं, देखो जसप्रीत बुमराह और सिराज खेलने वाले हैं और कुलदीप यादव, ये तीन प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से खेलेंगे और हार्दिक पांड्या जडेजा ऑलराउंडर सेक्शन से होगा, ठीक है, क्लियर इतना हुआ। चलिए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बुमराह हो गया, सिराज हो गए, इसके बाद शाहीन अफरीदी, हरीश रॉफ, ये दोनों हो गए फास्टर में। चलिए इसके बाद अगर बात करें हसन अली, यहाँ पर कौन खेलेगा, हसन अली खेलेंगे भाई साहब। चलिए और दूसरा प्लेयर, अब देखो यहाँ पर साधु ठाकुर की बोल रहा है, तो मेरा ये मानना है यहाँ पर अश्विन को दोबारा खिला लिया जाए, क्योंकि उनके बदले किसको ले लिए थे, ये तो यहाँ पर तीन स्पिनर के साथ में इंडिया खेल सकता है, तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर भी खेले, तो अपन को ये कॉम्बिनेशन बना के चलना है। तो देखिए तीन स्पिनर्स अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो यहाँ पर इफ्तिकार हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए और सादाब खान हो गए। भाई अगर बात कर ले तीन फास्टर पाकिस्तान की, शाहीन अफरीदी, हरीश रॉफ, हसन अली हो गए, तो अपने तीन फास्टर की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह हो गए, सिराज हो गए, एक एक चीज में डिटेल में बता रहा हूं, और हार्दिक पांड्या तीन फास्टर होगा ये आपको पता होना चाहिए, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और साथ में एक अश्विन होंगे, तो तीन स्पिनर्स होंगे, तो अश्विन के खेलने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को अफगानिस्तान में इसलिए खिला दिया था, एक चांस उन्हें दिया गया था। तो अब मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर प्लेयर है 1 2 3 4 5 6 प्लेयर आपके सामने, तो यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन आपको लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखिए तीन तीन के तीन कॉम्बिनेशन लेने वाला हूँ, चार के दो कॉम्बिनेशन लेने वाला हूँ और पांच का एक कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर चार चार के तीन कॉम्बिनेशन चलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, पांच का कॉम्बिनेशन बहुत ही कम है, क्योंकि रन वाली पिच है और अहमदाबाद की पिच है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना कि अगर आपको पता हो तो कि भाई अहमदाबाद में कितनी टोटल पिच है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था वीडियो, अगर आप मेरी फॉलो कर रहे हो तो टोटल अहमदाबाद के ग्राउंड पे कितनी पिच हैं, जिसमें पहला मैच 6वीं नंबर की पिच पे हुआ था, मैंने इतना भी हिंट दे दिया। तो कुल पिच बतानी है और भाई चेक करते हैं कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और कितना नॉलेज आपको पता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लीजिए कॉम्बिनेशन की, जसप्रीत बुमराह हो गए, सिराज हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, तीन का कॉम्बिनेशन एक आपके सामने बन के आ चुका है, टीम नंबर एक हो गया, ये आपका ए हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया और जसप्रीत बुमराह हो गया। बोलो मेरे भाई इतना क्लियर हुआ एक कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद हरीश रॉफ की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह की बात कर लें और शाहीन अफरीदी की बात कर लें। तो ये देखिए हरीश रॉफ हो गए, शाहीन अफरीदी हो गया और जसप्रीत बुमराह हो गया। चलिए ये हो गया दो नंबर कॉम्बिनेशन और ये हो गया आपका बी हो गया। चलिए इतना मेरे भाई क्लियर आपको समझ में आया। इसके बाद तीन का एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हसन अली और कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। तो एक मिनट रुकना, जसप्रीत बुमराह कहाँ रह गए भैया? तो ये देखिए जसप्रीत बुमराह इधर आ गया, तो तीन का एक कॉम्बिनेशन ये बन के आ गया, तो ये तीन नंबर टीम बन गई और ये आपका सी कॉम्बिनेशन हो गया। बोलो मेरे भाई इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो तीन तीन के तीन कॉम्बिनेशन हो गए, अब चार चार के धोने लेने वाला, पांच का बिल्कुल नहीं ले रहा भाई मैं, क्योंकि ये मैच रन तगड़े बनने वाले भैरंट होगी। अगर बात कर लें
तो 4-4 के तीन कॉम्बिनेशन की। तो देखिए सबसे पहले हसन अली को लूंगा, हरी श्रॉफ को लेने वाला हूँ, साथ में अगर बात कर लिया तो यहाँ पर मैं कुलदीप यादव को लूंगा, साथ में जसप्रीत बुमराह को लेने वाला हूँ। तो ये आपके सामने देखो कॉम्बिनेशन बन के आ चुका है, चार नंबर टीम हो गई, ये आपका डी बन के आ गया, हसन अली हो गई, कुलदीप यादव, हरी श्रॉफ हो गया और जसप्रीत बुमराह हो गया। और भाई लाइक कमेंट तो आप करना ही है, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और जितने कमेंट आएंगे उतना गिव अवे मैं कर दूंगा भाई, इतनी बड़ी बात मैंने कह दी, देश के लिए बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर मेरा कोई पर्सनल नहीं है भाई, देश के लिए आपको करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तक वीडियो पहुंचे और वहां पर कमेंट आए भाई मेरी वीडियो पर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात वो भी हिल जाए ना, देखे कि भाई इंडिया क्या है। चलिए इसके बाद चार का एक कॉम्बिनेशन के बाद शाहीन अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो मोहम्मद सिराज हो गया और जसप्रीत बुमराह हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन ये चार का बन गया, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो ये पांच नंबर टीम कॉम्बिनेशन हो गया और ये आपका भाई ई बन के आ गया। लास्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाला हूं, इसके बाद बनाना कैसे तो टीम में आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको कॉम्बिनेशन सेट करना है। इसके बाद अगर बात कर लिया तो देखो जसप्रीत बुमराह हो गया, सिराज हो गया, कुलदीप यादव हो गया और एक हसन अली हो गए। तो एक कॉम्बिनेशन ये सिक्स आपका आ चुका है, सिक्स नंबर हो गया और ये एफ हो गया, हसन अली हो गए, कुलदीप यादव हो गए, सिराज हो गए और जसप्रीत बुमराह हो गए। चलिए इतना मेरे भाई आपको समझ में आया। अब मैं देखो आपको बताऊं सेट कैसे करना है। ये आपके चार प्लेयर दिए, कुछ भाई ये करेंगे एक एक को जोड़ देंगे, दो दो को जोड़ देंगे, तीन तीन को जोड़ देंगे, भैया ऐसा नहीं होता मुझ में भाई, इतनी विनिंग करा चुका हूं तो गलत क्या, 14 खिलाड़ी की टीम बनवाऊंगा। तो देखो चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है ऑलराउंडर सेक्शन से, तो आपने क्या करा बैटिंग सेक्शन से चार प्लेयर ले लिए, मेरी बात सुनना, दो आपने ऑलराउंडर से ले लिए और एक आपको ये वाला कॉम्बिनेशन सेट करना है। तो ये आपको टॉप प्लेयर एडवेन्यू की जो अपनी मेन वीडियो होती है वो देखना है और साथ में इस कॉम्बिनेशन को मिला के जितनी आपकी मेहनत होगी, जितना आपने हार्ड वर्क किया होगा, जितनी आपकी स्किल होगी, वो सब काम करके कॉम्बिनेशन सेट बैठेगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। बाकी मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में टीम बना के दे रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दे रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब मैं आपको यहां पर टीम बना के देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो यहां पर मैं केएल राहुल को लेने वाला हूं। दूसरे प्लेयर की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर मैं बाबर आजम को लूंगा और साथ में विराट कोहली को लेने वाला हूं। और तीसरा प्लेयर जो लेने वाला हूं मैं रोहित शर्मा को लेने वाला हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर बात कर लिया है तो यहाँ पर मैं इमाम उलक को लेने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से बात कर लीजिए तो हार्दिक पांड्या, जडेजा को लूंगा, साथ में इफ्तिकार को लेने वाला हूँ। अगर बात कर लिया है तो यहाँ पर मैं कुलदीप यादव को लूंगा और तीसरा यहाँ पर प्लेयर लेने वाला हूँ भाई सिराज को, ठीक है, सिराज को लेने वाला हूँ, हरी श्रॉफ को लेने वाला हूँ। आपके सामने टीम बन के आ चुकी है, टीम नंबर एक। यहाँ पर मैं आपको तीन टीम पूरी फाइनल बना के देने वाला हूँ और कॉम्बिनेशन से आप खुद सेट कर सकते हो, क्योंकि तीन से चार टीम आपको क्या प्रोबेबल टीम में और जो अपने टॉप प्लेयर एडवेन्यू की वीडियो आती है उसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो देखो टीम नंबर एक में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ले तो यहाँ पर मैं पूरा देने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं लेने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले हरी श्रॉफ को मैं यहाँ पर कैप्टन लेने वाला हूँ और वाइस कैप्टन बाबर आजम को लेने वाला हूँ। आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो भाई, हाँ भाई देखो देश हित अलग है और देश हित देशभक्ति अपनी है, उसके लिए अपन कमेंट लाइक इंडिया को जिताएंगे, सब करेंगे, बस ग्रैंड लीग में तो इंडिया को भी जिताना पड़ेगा ना, और साथ में भाई टीम तो ऐसी यूनिक बनाना पड़ेगी जो आपको 2 करोड़ दिलवाए। तो ये यूनिक टीम है, सबसे सुपर रहने वाली है और बाकी आप पूरे वर्ल्ड कप में देख लो विनिंग यार, टेलीग्राम पर जाके, मेरे टेलीग्राम पर, दुनिया के टेलीग्राम पर फेक स्क्रीनशॉट डाले जाते हैं, आपका भाई स्क्रीनशॉट डालते ही नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर डालता है वो, आप देखो यार इतनी बड़ी बात कह दी। चलिए इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो वो टीम नंबर एक हो गया, इसमें बात कर ले तो बाबर आजम को मैंने वाइस कैप्टन लिया है ध्यान रखना, और हरी श्रॉफ को लिया कैप्टन। अब मैं आपको फाइनल टीम बता दूं, केएल राहुल हो गया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वाइस कैप्टन बाबर आजम, इमाम उलक, इफ्तिकार हो गया और रविंद्र जडेजा हो गया, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज और यहाँ पर भाई हरी श्रॉफ कैप्टन हो गया और कुलदीप यादव हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इतना आपको समझ में आया। चलिए टीम नंबर दो को क्रिएट करते हैं, तो इसको यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और दूसरी नंबर की टीम को अपन क्रिएट करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए ये थोड़ा लोडिंग भाई नेट प्रॉब्लम कर रहा है इस वजह से, चलिए कोई बात नहीं है अपन एडजस्ट कर लेते हैं इतना। चलिए अब अपन दूसरी टीम को क्रिएट करते हैं, तो दूसरी टीम की अगर बात कर लिया तो यहाँ पर मैं ईशान किशन को लेने वाला हूँ और केएल राहुल को और रिजवान को। इसके बाद अगर बात कर लिया विराट कोहली और रोहित शर्मा, और देखिए हार्दिक पांड्या को लूंगा, यहाँ पर शादाब खान को लेने वाला हूँ और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं जडेजा को लेने वाला हूँ। तीसरा प्लेयर जो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ वो चलने वाला कुलदीप यादव, ठीक है। इसके बाद शाहीन अफरीदी हो गए और मोहम्मद सिराज की मैं यहाँ पर बात करूंगा, हसन अली अगर बात कर ले, और दूसरा प्लेयर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर मोहम्मद नवाज को। तो एक कॉम्बिनेशन टीम ये आपके सामने बन के आ चुकी है, टीम नंबर दो। तो इसके कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले अगर बात कर ले तो यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ
और अब लेना यहाँ पर किसको है, छोड़ना किसको है। तो यहाँ पर देखो वाइस कैप्टन की अगर बात कर ली तो यहाँ ईशान किशन को मैं वाइस कैप्टन लूंगा, और हार्दिक पांड्या की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या को भाई मैं कैप्टन लेने वाला हूँ। तो टीम नंबर दो आपके सामने हाजिर है, पेस है। चलिए मैं आपको बता दूं टीम नंबर में कौन कौन से दो में खिलाड़ी है। ईशान किशन को वाइस कैप्टन लिया, रिजवान हो गया, केएल राहुल हो गए, भाई बात कर लिया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लूं, अब देखो इसमें मैं एक आपको चीज बताऊं जो भी इसमें होने वाली है, ठीक है, ये टीम हो गई, अभी मैं बता देता हूं, हार्दिक पांड्या हो गया, सादब खान हो गए, और जडेजा हो गया, मोहम्मद नवाज हो गए, कुलदीप यादव हो गई। देखो भाई ये टीम में, इस वाली दो नंबर की टीम में आप पता रोहित शर्मा को हटा के इमाम उल हक या बाबर आजम को रख सकते हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। पहले बोला रोहित शर्मा के बदले इमाम उल हक या आप बाबर आजम को ले सकते हो। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले, अब हम तीसरी टीम को क्रिएट करते हैं। तीसरे टीम की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जडेजा को लूंगा, हार्दिक पांड्या को, और यहाँ पर मैं सादाब खान को लेने वाला हूँ, और दूसरा प्लेयर इफ्तिकार को लेने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बाबर आजम को लूंगा, विराट कोहली को लेने वाला हूँ, और साथ में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को लेने वाला हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर लेने वाला हूँ रिजवान को। टक्कर की मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि भाई दोनों टीम बराबर की है अभी तक। बस इंडिया के लिए ये अच्छी बात है क्योंकि इंटरनेशनल जितने भी मैच हुए ना, इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है दम से भाई, और इस बार भी अपन को भाई धूल चटवाना है और इंडिया को जिताना है। चलिए इसके बाद अगर बात कर ली जाए, हरीश रॉफ हो गए यहाँ पर, साथ में अगर बात कर ली जाए शाहीन अफरीदी, और अगर बात कर ले यहाँ पर तो यहाँ पर एक प्लेयर की अगर बात कर ले जसप्रीत बुमराह हो गए। तो ये देखो आपके सामने टीम बन के आ चुकी तीन नंबर टीम। तो तीन नंबर टीम की अगर बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसको लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए और कॉम्बिनेशन से आप 10-20 टीम लगाओगे मुझे पता है भाई, आपका बजट पहले ही तगड़ा हो गया होगा कि चाहे कुछ हो जाए इंडिया को जिताना है और ग्रैंड लीग तगड़ी खेलने वाले हैं, क्योंकि हर बंदा 6-8 टीम तो लगाए गई, तो उसके हिसाब से मैंने ये चीज कॉम्बिनेशन आपके सेट कराए। फ्री कॉन्टेस्ट वगैरह जो मिले सब जगह रगड़ दो। अब यहाँ पर देखो जो टीम चलने वाली है जिसको आपको लेना है, तो देखो हरीश रॉफ हो गया, अगर बात कर ले जसप्रीत बुमराह हो गए, शाहीन अफरीदी, तो देखो शाहीन अफरीदी की बात करूं तो यहाँ पर वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, ठीक है, शाहीन अफरीदी वाइस कैप्टन। और बाबर आजम की अगर बात कर ले, बाबर आजम हो गए, हार्दिक पांड्या, एक मिनट रुकना, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, जडेजा, तो यहाँ पर यार देखो भाई जडेजा हो गए कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा शाहीन अफरीदी। तो ये तीन नंबर टीम आपकी बन के आ चुकी है, इसमें देखो मैंने रिजवान को लिया है, श्रेयस अय्यर हो गया, बाबर आजम हो गए, विराट कोहली हो गया, हार्दिक पांड्या हो गए, सादाब खान हो गए, कैप्टन को लिया रविंद्र जडेजा को, क्योंकि भाई आपको भी पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनका बहुत बोलवाला रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आईपीएल में भाई इन्होंने ही ट्रॉफी दिलवाई थी। हरीश रॉफ की बात कर ले, शाहीन अफरीदी वाइस कैप्टन हो गया और जसप्रीत बुमराह हो गया। वीडियो थोड़ी स्पीड में लग रही होगी, वीडियो को दो बार देख लेना, कोई इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी भाई ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए 12 बजे तक जाकर बात कर सकता हूँ, इतनी मेहनत तो आप कर सकते हो। लाइक कमेंट करना ना भूले। ये तीन टीम मैंने आपको दी है और आपको तीन टीम प्रोबेबल टीम और टॉप प्लेयर एडवेन्यू की वीडियो देखना पड़ेगी, नहीं तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो टेलीग्राम पर लिंक दिए, वहां से जाकर आप क्या वाली वीडियो देख लेना। तो करना क्या भाई, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे मेरी वीडियो हमेशा आपको मिलती होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आपको क्या टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे नाम से काफी फेक अकाउंट चल रहा है, क्योंकि मैंने प्राइम वालों की भाई बैंड बजा के रखी है, क्योंकि मैं हर भाई से बोल रहा हूँ कि आपको एक रुपया प्राइम लाइव के चक्कर में बर्बाद नहीं करना, नहीं तो लोग आपका पैसा लेके आपको ब्लॉक पर डाल देंगे और फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत में वो ताकत है, काफी सारी ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। हमारे यहाँ आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो कि हमने कितनी सारी ग्रैंड लीग विनिंग करी है। थैंक यू सो मच सारे, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भाई, कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।